परेड ग्राउंड्स लो मोदी डायलागुलु पेलाई कुटुंब बलालू अवनीति वेर्वेरु कादंटो नेरुगा केसीआर नु टारगेट चेसारु प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रभुत्वं सहकरिंचकपोवडंतो अभिवृद्धि पनुलु नेम्मदिंचायनि विमर्शिंचारु हैदराबाद पर्यटनलो प्रधानी मोदी इंका एमन्नारो इप्पुडु चूद्दाम हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। हर भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद,
और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे। हर प्रोजेक्ट में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम MMTS प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 MMTS सर्विस शुरू हुई है। MMTS का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है।